जम्मू के एमएस स्टेडियम के बाहर इस समय मैं मौजूद हूं और आपको बताने चले कि 27 नवंबर को एक बड़ा मुकाबला जो है वो जम्मू के एमएस स्टेडियम में देखने को मीलेगा। जी हां, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और आपको बताने चले कि अब 27 नवंबर को एक बड़ा मुकाबला जो है वो जम्मू में यहाँ पर होने जा रहा है, जिसमें ये कहें कि हरभजन सिंह और अरुण फिंच जो है वो यहाँ पर भिड़ेंगे। लगभग 3 दशक बाद जो है वो जम्मू के एमएस स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट की जो है वो वापसी हो रही है और जिसका गवाह जो है वो पूरा प्रदेश जो बनेगा। और आपको बताते चले कि इस लीग के तहत जम्मू में पहला मैच जो है वो 27 नवंबर को होगा और दूसरा मैच जो है वो 29 को होगा और तीसरा जो है वो 30 नवंबर को और चौथा मैच जो है वो 1 दिसंबर को जो है वो यहाँ पर जो है वो खेला जाएगा। ये एक बहुत बड़ी खबर है और इसमें कई सारे जो खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और जिसमें आपको बताने चले कि यहाँ पर नवंबर की बात करें या फिर दिसंबर की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा सर्दी का मौसम रहता है, लेकिन सर्दी के मौसम में जम्मू शहर में जो है वो क्रिकेट की गर्मी का जोश और ये कहें कि जुनून जो है वो देखने को मिलेगा। और इसी के चलते शहर के एमएस स्टेडियम में इरफान पठान यहाँ पर होंगे, गौतम गंभीर जी यहाँ पर पहुँचेंगे, अरुण फिंच यहाँ पर होंगे, सुरेश रैना की बात करें या फिर पाकिस्तान के अब्दुल रजाक जैसे जो खिलाड़ी हैं और साथ पूर्व इंटरनेशनल क्रिकेटर खेलते यहाँ पर जो है वो आपको दिखेंगे। और आपको बताने चले कि ये मौका जो है वो लीगेंड्स लीग का होगा, जिसके 4 मुकाबलों की मेजबानी जो है वो एमएस स्टेडियम यहाँ पर जम्मू में यहाँ पर कर रहा है और लगभग 3 दशक के बाद एमएस स्टेडियम में ये इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हो रही है और जिसका गवाह जो है वो पूरा प्रदेश बनेगा। लेकिन लीग के तहत जम्मू में पहला मैच जो है वो 27 नवंबर को होगा और दूसरा मैच 29 तारीख को होगा और तीसरा जो है वो 30 नवंबर, चौथा 1 दिसंबर को खेला जाएगा। लेकिन जो मैच देखने वाले लोग हैं वो यहाँ पर किस तरह से पहुंचेंगे तो आपको बता चले कि मैच के टिकट जो है वो अगले हफ्ते से जो है पेटीएम और पेटीएम इनसाइडर से जो है वो ऑनलाइन खरीदे जाएंगे और जिसके पास टिकट होगा वही जो है वो अंदर जा पाएगा, यानी कि पेटीएम इनसाइडर और पेटीएम से जो है वो ये आप ऑनलाइन टिकट जो है वो खरीद सकते हैं लगभग अगले हफ्ते से आगे। और वैसे तो ये लीजेंड्स लीग की शुरुआत जो है वो 18 नवंबर से 9 दिसंबर तक जो है वो कुल 22 दिनों तक चलेगी और इसमें 6 टीमों के बीच 19 मुकाबले जो है वो खेले जाएंगे। जम्मू सहित 5 शहरों में इसके मैच जो है वो खेले जाएंगे। लेकिन ये जम्मू में कब पहला इसका मैच होगा तो आपको बताते चले कि जम्मू शहर में ये पहला मैच 27 नवंबर यानी कि सोमवार को होगा और हरभजन सिंह बज्जी की कप्तानी वाली मणिपाल टाइगर्स की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंचेगी। और आपको बताते चले कि इसमें इरफान पठान भी जो है वो अपना दम दिखाएंगे और ये जो है वो ये बहुत बड़ा मुकाबला जो है वो जम्मू में होगा। लेकिन आपको बताते चले कि इसमें 27 नवंबर को जो है वो सोमवार शाम 7 बजे जो है वो ये मणिपाल टाइगर्स बनाम सर्वन सुपरस्टार यहाँ पर जो है वो ये टीम रहेगी और 29 तारीख को जो है वो 29 नवंबर को बुधवार के दिन शाम 7 बजे भिलवाड़ा किंग्स बनाम सदन सुपरस्टार की ये टीम यहाँ पर खेलेगी और 30 नवंबर को वीरवार के दिन शाम 7 बजे जो है वो इंडिया कैपिटल्स बनाम गुजरात जॉइंट्स की टीम यहाँ पर खेलेगी और 1 दिसंबर को शुक्रवार के दिन दोपहर 3 बजे जो है वो भीलवाड़ा किंग्स बनाम अर्बन रेंजर्स के साथ जो है वो ये टीमें यहाँ पर खेलेंगी। और इसी के साथ आपको बताने चले कि किस टीम का ये कप्तान कौन होगा तो आपको बताने चले कि इंडिया कैपिटल्स के कप्तान जो है वो गौतम गंभीर होंगे और मणिपाल टाइगर के कप्तान हरभजन सिंह होंगे और सदर्न सुपरस्टार के कप्तान जो है वो एरन फिंच होंगे और जो अनबन राइजर हैदराबाद के कप्तान जो है वो सुरेश रैना होंगे। तो बहुत बड़ा मुकाबला जम्मू में जो है वो 27 नवंबर से होने जा रहा है तो आप भी यहां पर जरूर आइएगा और अपने अपनी टिकट जो है वो जरूर करा लीजिएगा, क्योंकि टिकट के बिना जो है वो किसी को भी यहाँ पर अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन लगभग ये कहेंगे 3% के बाद जो है माफ कीजिएगा, लगभग 3 दशक के बाद जो है वो ये जम्मू शहर में जो है वो एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट मैच यहाँ पर होने जा रहा है, जिसमें सुरेश रैना जो है वो गौतम गंभीर के अलावा हरभजन सिंह यहाँ पर जो है वो यहाँ पर उनके बीच ये मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो क्या आप यहाँ पर आएंगे जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।